गुड डे एवरी वन, माई सेल्फ तृप्ति मिश्रा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस NCERT साइंस क्लास 6th चैप्टर 2. इट इज़ अवर पार्ट 3rd एंड वी विल डिस्कस बैलेंस्ड डाइट इन दिस वीडियो. बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज अवर डाइट. वो भोजन नॉर्मली जो हम एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज. बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी की सही मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. नॉट टू मच और ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. किसी एक को बहुत ज़्यादा मात्रा में या किसी दूसरे की बहुत कम मात्रा नहीं होनी चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. भोजन में रफेज और पानी का भी एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए. सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट. ऐसी डाइट बैलेंस्ड डाइट कहलाती है. मीन्स जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स हो, साथ में रफेज हो और वाटर हो गुड अमाउंट में. दैट डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सोचते हैं कि सभी उम्र के लोगों को सेम टाइप के डाइट की जरूरत होती है? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारी डाइट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम दिन भर में कितना फिजिकल वर्क करते हैं. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक. एक चार्ट बनाओ आप हफ्ते भर में जिन जो 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 भी चीज़ें खाते हो उनका एक आपको चार्ट बनाना है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशनड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो. और इस चार्ट से चेक करो कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने देखे हैं, न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, देन प्रोटीन, रफेज और वाटर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्या आपको एक दिन में खाई गई अपनी डाइट से मिल रहे हैं? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. देयर दालें, पल्सेस, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चने के बीज, फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड जैसे इडली, ये फर्मेंटेड फूड होता है. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, आटे का अलग अलग तरीके के अनाज से मिलकर बना आटा जिसको हम बोलते हैं मिस्सी रोटी या गुजरात में से बोलते हैं थेपला. मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, जो कि किससे मिलकर बना होता है, सीरियल्स और पल्सेस अनाज और कुछ दालों के आटे से मिलकर बना होता है. केला, स्पिनच, पालक, सत्तू, गुड़ और जितने भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं और कुछ दूसरे तरीके के भोजन हमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. इसलिए को एक इंसान बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना भी एक balanced diet खा सकता है.
ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, सही तरीके का भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इसे अच्छे से पकाया जाना भी जरूरी है, सो दैट ताकि इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, इसके न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आप जानते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भोजन पकाने के दौरान और भोजन पकाने की तैयारी करने के दौरान ख़त्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं? इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. कुछ सब्जियां और फल अगर काटने के बाद या छीलने के बाद धोई जाती हैं तो उससे विटामिन्स का लॉस हो जाता है. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्किन होती है, बाहरी परत होती है, छिलका होता है, उसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. सिमिलरली इसी तरह से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. चावल और दाल को अगर हम रिपीटेडली बार बार धोते हैं तो उनसे भी कुछ तरीके के विटामिन और मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हम सभी जानते हैं कि कुकिंग भोजन के स्वाद को बढ़ाती है और साथ ही इसे पचाने में सरल बना देती है. एट द सेम टाइम उसी दौरान कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कुकिंग की वजह से, भोजन को पकाने की वजह से कुछ एक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है या कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट भी हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. बहुत सारे उपयोगी प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट में मिनरल्स का लॉस हो जाता है अगर हम इसे एक्सेस वाटर में पकाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के पानी में पकाते हैं और फिर उस पानी को फेंक देते हैं. विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी कुकिंग के दौरान बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? तो क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि कुछ हम अपनी डेली डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ कच्ची सब्जियों को शामिल करें, बिना पके हुए सब्जियां और कुछ फ्रूट्स को हमें शामिल करना चाहिए. बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. बूजो ने सोचा कि हर समय अगर फैट्स खाए जाएं तो वो फैट ही बेस्ट फूड है खाने के लिए हर समय के लिए. ए कटोरी और बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. एक कटोरी फैट से बना भोजन एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देगा. इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. इसलिए वो और कुछ भी नहीं खाता था, केवल वही फूड खाता था जो फैट रिच फूड हुआ करता था, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स. तो वो ज़्यादातर
फ्राइड फूड तला हुआ भोजन खाता था, जैसे कि समोसा और पूड़ी या कुछ स्नैक्स, तले हुए स्नैक्स खाता था, या मलाई और रबड़ी पेड़ा जैसी मिठाइयाँ हमेशा वो खाता था। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मेन एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए कि हम हमेशा फैट रिच फूड ही खाते रहें और इसकी वजह से हम ओबेसिटी माने मोटापा जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हमारी डाइट में रेगुलरली सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। केवल फैट वाला भोजन सफिशिएंट नहीं होता और उसे हम बैलेंस्ड डाइट नहीं कह सकते। नाउ हियर सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द विटामिन विच इजिली गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। उस विटामिन का नाम बताइए जो कुकिंग के दौरान बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। स्टूडेंट्स गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। फ्रेंड्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज आई विल अपलोड माई न्यू वीडियो। थैंक यू।